देख रहे हैं satyahindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने अपने ठिकानों पर सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी को गैर कानूनी बताते हुए चुनाव आयोग को शिकायत पत्र लिखा है और साथ ही सीबीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। टीएमसी नेता ने पत्र में आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है और उनके चुनाव प्रचार में बाधा उत्पन्न करने के प्रयास कर रही है। महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत दिशा निर्देश जारी करें। आपको बता दें कि सीबीआई ने 23 मार्च शनिवार को अलीपुर सहित महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके पहले सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने में जुटी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में पार्टी ने जहां मुरादाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बिजनौर से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व एमपी इंजीनियर यशवीर सिंह धोबी को बदलकर सपा ने दीपक सैनी को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने आज रविवार को दिन में 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद अब शाम को 9 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बसपा का यह कदम इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं अब कुल मिलाकर बसपा अपनी पार्टी के अब तक 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बसपा ने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट में हाथरस सीट से हेमबाबू धनगर, मथुरा सीट से कमलकांत उपमन्यू, आगरा से पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा, फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली, इटावा से सारिक सिंह बघेल, कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के सामने मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है। वहीं पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, रामपुर से जिशान खां, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है। बता दें कि बीएसपी इस बार बिना किसी गठबंधन के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार लोकसभा में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। पिछली बार भाजपा के राजस्थान में 25 सांसद बने थे, इन्होंने क्या आवाज़ उठाई? गहलोत ने कहा कि लोग मान रहे हैं कि हमने अच्छी योजनाएं शुरू की थी, जिन्हें ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं। झूठ बोलकर राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन अब इनकी पोल खुलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी तीखी आलोचना की है। सिंह ने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि नैतिकता भी कोई चीज़ है, केजरीवाल ने सारी नैतिकता खो दी है। नैतिकता की आड़ में उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था और अब वो कह रहे हैं कि कानून उन्हें सलाखों के पीछे सरकार चलाने से नहीं रोकता है। बीजेपी नेता ने आगे केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को जेल भेजा गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, आप भी अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि उन्हें हेमंत सोरेन से कुछ सीखना चाहिए। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तार किए जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दल 31 मार्च को नई दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगी। यह रैली देश हित में और लोकतंत्र को बचाने के लिए बुलाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में तानाशाही स्थापित करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से पूरे देश के अंदर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है और लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते, जो लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, दफ्तर को सील किया जा रहा है, लोकतंत्र के हर दरवाजे को बंद किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ 31 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में चलो दिल्ली के आह्वान के साथ इकट्ठा होंगे और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। 31 मार्च को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि 31 तारीख को दिल्ली में हम लोग एक बड़ी रैली करेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक रैली नहीं होगी, बल्कि ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान होगी। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ YSRCP के विधायक पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चिंतालपुरी से YSRCP विधायक वनामतला एलिजाज रविवार को YS शर्मिला रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। त्रिपुरा के धलाई जिले के डंबूर जलाशय में गिरने से 3 मछुआरों की मौत हो गई है और एक मछुआरा अभी भी लापता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को आए तेज तूफान से एक अस्थायी मंच के ध्वस्त होने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे पर दुख जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि मुझे डंबूर जलाशय में चक्रवात के कारण 4 मछुआरों के लापता होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चला। इनमें से एक का शव प्रशासन की निगरानी में बरामद किया गया और बाकी 3 की तलाश जारी है। इस कठिन हालात में राज्य सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। मछुआरों की खोज के लिए राहत और बचाव के अलावा आपदा प्रबंधन की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। यूपी बिजनौर के धामपुर कस्बे का एक वीडियो कल शनिवार से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर एक युवक के पीछे बुरके में एक युवती और एक अधेड़ महिला बैठी हुई है और होली खेल रहे कुछ युवा इन लोगों को रास्ते में रोककर जबरन गीला रंग डाल रहे हैं। पहले युवक के चेहरे पर जबरन रंग लगाया जाता है, उसके बाद युवती और अधेड़ महिला पर भी गीला रंग फेंक दिया जाता है। अधेड़ महिला के गालों पर भी एक युवक को रंग लगाते देखा जा सकता है। उन लोगों के विरोध के बावजूद भी लोग जोर जबरदस्ती करते दिख रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। बिजनौर पुलिस द्वारा रविवार को इसकी जानकारी दी गई। IPL 2024 का चौथा मैच आज रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीमें आमने सामने हैं। राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के सामने 194 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी लखनऊ सुपर जॉइंट्स अब तक के समय अनुसार 10.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 77 रन बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत से जारी आदेश को बीजेपी ने फर्जी करार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी की और यह एक आपराधिक साजिश है। आदेश को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्र जारी किया वो जाली है, उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में हैं। मैं आतिशी और आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं कि यह मुख्यमंत्री का कार्यालय है, शराब की दुकान नहीं। दिल्ली के CM ED की हिरासत में है और जब तक अदालत उन्हें अनुमति नहीं देती तब तक वे कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में CM कार्यालय का इस्तेमाल किसने किया, आधिकारिक पत्र किसने जारी किया और उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया। यह मामला एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है, इसलिए मैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय ED की हिरासत में हैं और उन्होंने जांच एजेंसी की हिरासत से अपना पहला आदेश जारी किया है। उनके इस आदेश की जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी द्वारा दी गई। आतिशी ने एक बयान जारी कर कहा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे वो आज ED की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ED की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री निर्देश भेजा है। कल जब ये कागज उनके निर्देश के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया है, उनको पता नहीं कि वो जेल से बाहर कब आएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है।
आतिशी ने कहा कि ये वो व्यक्ति है जो हिरासत में होते हुए भी दिल्ली वालों के पानी और सीवेज की समस्या के बारे में सोच रहा है। ये केवल केजरीवाल जी ही कर सकते हैं, जो खुद को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का सदस्य समझते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज रविवार को पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान होलिका दहन के समय पुतला फूंका जाएगा और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसे में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। हम दिल्ली पुलिस के कर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने जिलों में स्थिति की निगरानी करते रहेंगे और थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखने और किसी भी विरोध प्रदर्शन के बारे में पता चलने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में तुरंत सूचित करने का निर्देश जारी किए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।